पार्टी करने आए हमारा घर नहीं पार्टी वगैरह करने आए एंजॉय की लड़कियां बेवफा होती हैं कि लड़के बेवफा। मैंने इसकी गर्लफ्रेंड सेट की थी। ये एतकाफ पे बैठ गया था ना, बेचारा मजदूर भी हो ना तो लड़की का बाप बोलेगा कि यार अमीरों को चलने का स्टाइल। ओह नो गजर पुरानी रसूल पैगाम देना चाहूंगा बेवफा लड़कियों को के बाद आ जाओ पार्टी करने आए। हां जी बस हमारा घर नहीं वैसे पार्टी वगैरह करने आए हैं। पार्टी वगैरह करने आए एंजॉय करने का माना मॉल। हां जी यहां पे कौन सी पार्टियां होती हैं? बस वैसे हम दोस्त आते हैं। दोस्त? अच्छा तुम क्या? मैं तुम भी पार्टी नहीं इनके साथ बस एंजॉय के लिए। लड़कियां बेवफा होती हैं कि लड़के बेवफा? हमारे खानदान में से यही आशिक है इसे पता। एक आशिक सब पे भारी। अच्छा बताओ ना सही सही बताना। मुझे भी नहीं पता। नहीं पता उसने कहा है कि हमारे खानदान में सिर्फ एक ही बंदा आशिक है वो तुम हो। वो खुद ही ये भी मैंने इसकी गर्लफ्रेंड सेट की थी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? गर्लफ्रेंड इसकी थी सेट आपने जी। हम तो नहीं आई कोई बात नहीं कजन है। अच्छा कजनों में ये सब चलता है? चलता है ऐसी कोई फिर मैंने बाद में इसकी कर ली। तो वो वही थी ना जो इसकी आपकी थी? इसकी एक और थी लादा। इसकी एक और थी हैं कुछ नहीं कहा इसको के सेट असल में एक नहीं है ना काफी है। ओह नो ये एतकाफ पे बैठ गया था ना। अच्छा। तो इसने कहा मेरा दोस्त बुरे कामों से बच जाए इसलिए इसने बुरे काम करना शुरू कर दिए हैं। अंदर ये गेम डाल दी और ये सब क्या चल रहा है? एक नहीं है काफी है और तुम्हारी है? नहीं मेरी नहीं। तुम्हारी इनमें से किसी ने नहीं पटाई? नहीं नहीं ये कारी साहब मुझे सही बताओ ना आशिक की मशूक की तो पता चल गई है तुमने इसकी पटा ली इसने तुम्हारी पटा ली। लड़कियां बेवफा होती हैं लड़के बेवफा होते हैं? आई थिंक सिचुएशन के डिपेंड अगर किस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए तो बेवफाई बंदा कर जाता है। पहले जारी बात आप खाली लव ही तो नहीं ना देख सकते फैमिली भी देखनी है तो इस वजह से किसी को बेवफा नहीं कह सकते। हो सकता है उसको जबरदस्त बात की है बाकी आप जो मर्जी करते रहें लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है आपके मुताबिक क्या बात है क्या कौन बेवफाई करता है? अक्सर मैंने देखा है लड़कों को रोते है बेचारे। आज भी अगर बाहर मुल्कों की बात की जाए ना तो जितने भी बाहर पाकिस्तान से गए हैं ना उधर नौजवान वो सब ये नाकाम आशिक ही है लड़कियों की वजह से। बाहर जाने की वजह ये है पाकिस्तान से बाहर जाने की वजह ये है कि लड़कियों के आशिकी में पड़ के ठीक है उनकी आशिकी नाकाम हुई है इसलिए वो बाहर चले गए। इसीलिए वो बाहर चले गए। और तुम क्यों नहीं गए? मेरे साथ हुई नहीं है तो अगर हो जाती तो तुम भी चले जाते। मैं ये उल्टे कामों से दूर रहता हूँ। oh, no! इसमें कौन सा उल्टा काम है? तुम्हारे अपने दो दोस्त ये कामों में पड़े ये इनके हालत देख के बस मैं नहीं पड़ता। बेचारा मजदूर भी हो ना तो लड़की का बाप बोलेगा कि यार अमीरों को चलने का स्टाइल। oh, no! ये तो गलत है ऐसे तो ना बोल। नहीं मैम ये ऐसा ही है ऐसा ही होता है सही कह रहा मेरा दोस्त ऐसे। तो तुमने तो तीन चार रखी हुई है में से 99% ये बात सच है कि यही लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं। गाजर हाँ मूली गाजर टमाटर हरी मिर्च लीमू खीरा हमें तो इतना ही पता है और याद आया अर्ज किया पुदीना। oh, no! फजूल सब्जियों के नाम लिए जा रहे हो हैं ऐवें लिए जा फजूल सब्जी थोड़ी ना सब्जी बनाते नहीं है उसको पकाते हैं खाने में। अच्छा खाने वाली है फिर तो लोग बड़े शौक से खाते फिर तो वो भिंडी है। लोग बस भिंडी खाते जाहिर सी बात है खाते हो नहीं तो फिर सही एक आखिरी तुक्का लगा दो तुम दोनों एक आखिरी तुक्का तुम दोनों का सेम होना चाहिए मैं तुम्हारे जैसा ही है तुम्हारे इसके जैसा इसलिए पता लग गया आलू क्यों शर्म नहीं आई मैंने इसको ये कहा है कि इसलिए तुमने फौरन पकड़ लिया इसको नहीं ये तुम्हें आलू कह रहा है मुझे नहीं कह रहा सब्जी आलू ये नहीं लेकिन तुम्हें कह रहा मैंने तुम्हारी हिंट दी है तो उसने फौरन ही पकड़ लिया ले तो मेरा क्या जा रहा है मैं आलू तो नहीं हूँ ना। हाँ आलू तो नहीं हूँ इंसान है आलू आलू पसंद है आलू खा के आलू तो नहीं पाए नहीं आलू नहीं खाते मैं आलू के क्या बनते हैं फ्राइज बनती है कटलेट्स बनते हैं मुझे नहीं पसंद। oh, no! नहीं पसंद क्या खाते हो? बस सब्जी रोटी कौन सी सोने की चेन पहनी हुई है ये वाली चांदी है चांदी की है वाकई से चांदी की पहनी हुई है वैसे मार रहा है वैसे ही मार रहा है ये तुम्हारी पोले खोलेगा मैंने 200 रुपए की 200 रुपए की बायर रेडी से ले 200 रुपए भी नहीं 50 रुपए के लिए
मैंने पैकेजेस मॉल से ली थी 900 रुपए की, उसके बाद इसका ना रंग नहीं उतरा। oh, no. तो मैं 600 से पता करवा चुका, सारे कह रहे हैं चांदी की है, चांदी की है। पुरानिश रसूल, नाम नाम ही बताया आपको, मैंने पहाड़ी नाका तो नहीं बताया आपको। ये कौन सा नाम है? ये यूनिक नेम है। पुरानी कुरानिश, कुरानिश रसूल, रसूल का अदब करने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैजान। फैजान साहब आप क्या करते हैं? टेक्सटाइल फैशन डिजाइनर। वो कह रहे कैमरे में पूरा नहीं आ रहे। अच्छा फैशन डिजाइनिंग। शर्म करो, तुम्हारे दोस्त हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा खासा उसकी हाई वो हेल्थ है, माशाल्लाह। ऐसे खाते पीते घर गए हैं ना, जरा है ज्यादा ही खा लिया, कुछ बाहर आ रहा है। बेवफा लड़कियों को के बाद आ जाओ, बंदे दियां पुत्रां बन जाओ। बंदे दियां पुत्रां बन जाओ, ठीक है। बीवी का फोन आ गया, बीवी का इधर आना है। बहरहाल जो भी है, एक लड़के के साथ सेटिस्फाइड रहे, एक के साथ किसी का दिल ना तोड़े। रोई ना यार, इसकी बात भी ठीक है। बेसिकली मैंने आपको एक बात बताई कि लड़की भी मजबूर होती है, ठीक है। उसका भी अगर उसकी भी कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि उनके फैमिली की तरफ से इशू होते हैं, ठीक है। काम तो कर चुकी होती हैं लेकिन पीछे से फैमिली इशूज़ की वजह से, हर चीज़ की वजह से वो भी मुश्किल होती रहती हैं। तो उनका यही है कि पहले अपने मामा पापा को, अपनी फैमिली को देखे काम किया करें। बदनाम भी रहती हैं और फजूल की टीचिंग भी आती है, तो उसकी वजह से। अपने बारे में क्या ख्याल है, लड़कों के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे खुद लड़के इसलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। देखिए लड़कों के अंदर बहुत फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। अब लड़के, अभी आपने पहली बात क्या की है, लड़कियाँ छोड़ के जाती हैं, आपने ये तो नहीं कहा लड़के छोड़ के जाते हैं। मैंने तो कुछ भी कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं है, मैंने कुछ कहा ही नहीं। मेरी बात में तो तुम ना ना रुको। पापा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रहे, एंड यही होता है फिर। तो तुम लोग मान जाते, तुम लोग मना लेते। ऐसी बात है, ओ मैं गोडियां बैकर होया सी गांव दे वास्ते। बर्बाद है। अच्छा बर्बाद है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो बड़ा अच्छा पैगाम, आप ये काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, पैसा कमाओ बस। oh, no. इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। जी क्या कहना चाहेंगे आप देखने वालों को क्या इस बारे में? बस यही कहेंगे, लड़के के पीछे मत जाओ, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। oh, no. लड़के के पीछे मत जाओ, जिंदगी को अच्छे से जी। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो जमीन पर सबसे पहले उगाई गई थी? ऐसी कौन सी सब्जी है? सब्जी भिंडी। अभी तुक्के से भिंडी, भिंडी खा के तो नहीं आए? नहीं, नहीं। जो भिंडी का नाम कह दिया, गोश्त खा के आए हैं। गोश्त खा के आए हो, अच्छा बताओ सब्जी कौन सी थी सबसे पहले? सब्जी बताया तो आपको, भिंडी। नहीं जवाब सही दो ना, सोचो जरा भिंडी के अलावा कौन सी हो सकती है? शलजम। भिंडी, शलजम, करेले, कद्दू, इसके अलावा? इसके अलावा कभी हम सब्जी लेने गए नहीं, हम अम्मा ले जाती। हम लड़के जाते हैं सब्जियाँ लेने, वो बड़ा छोटा भाई भी चला जाता ना, इसलिए। तो बताओ ना कोई तुक्का लगाओ, सही वाला तुक्का। लोग बहुत ज्यादा खाते हैं वो हर सब्जी में इस्तेमाल, हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, तो वो का यार सब, वो तुम खाओगे तो तुम्हारी सेहत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलो कोई भाई, सेहत से क्या करना, जिंदगी जीनी है। बताओ ना फिर। बताया तो है, या करेले होंगे? करेले ना, करेले हैं ना, कद्दू है ना, भिंडी है ना, प्याज है ना, कुछ और है तो फिर मैं जाऊँ। चलो बस नहीं पता आपको, पता बता दो आपको, पता आपको मुझे तो पता ही है, मैं देखने वालों को बताना चाहती हूँ ना कि ये जवाब। चलो वो बता देंगे इंटरव्यू में, बता देना। ठीक है, तो आप जा सकते हो।